गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। ओके, आज की वीडियो में हम लेके आए आपके लिए समर वेट लॉस डाइट प्लान फ्रॉम फैट टू फैब 2021। सो आज का जो डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, टचवुड मैंने बहुत जल्दी डाइट अपलोड कर दिया है ना, ओके दिस टाइम। सो आज की वीडियो में जो डाइट प्लान मैं पोस्ट करने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें अगर आप तरीके से इज्जत से चलते हो, आप 6 से 7 किलो इन अ मंथ इजिली लूज कर लोगे, इजिली। नाउ लूज करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वेट लॉस के, आप लोग अभी तक बहुत समझदार हो चुके होंगे अगर आप मेरी वीडियोस 3.5-4 साल से देखते आ रहे हो, आएगा इतना टाइम हुआ है, नहीं तो कृपया करके कुछ चीज़ों को टिक मार्क करके चलना। किसी की सुननी नहीं है, किसी की देखनी नहीं है, कहते हैं ना गूंगे अंधे बहरे होके डाइट करना है, क्योंकि जहाँ पे आपने स्ट्रेस पिक करा, हार्मोन्स बहुत बड़ी गेम प्ले करते हैं बॉडी में मेरी जान। सो कृपया करके अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखेंगे, माइंड को बैलेंस करेंगे और अपनी पूरा डाइट शिद्दत से करेंगे। कौन क्या किधर क्या कह रहा, दिमाग नहीं लगाने का, अपने वेट और वेट लॉस टारगेट पे लगाने का, खत्म करके करियर पे फोकस। सो मूव टू दी वेट लॉस का डाइट प्लान। अच्छा, एक और चीज, नींद पे ध्यान देना। नींद इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी, किसी के भी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, व्होएवर इट इज। हाँ, सो बैक टू दी वेट लॉस का डाइट प्लान, स्टार्ट विद दी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये रही नहीं देखी तो प्लीज चेकआउट दिस लिंक, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मॉर्निंग ड्रिंक का। इस ड्रिंक से हम अपनी दिन की शुरुआत करेंगे। बैक टू दी मॉर्निंग ड्रिंक के ठीक 5 से 10 मिनट के बाद आपको एक बनाना खाना है, 1 बनाना, 1 किला। मेक श्योर वो बिल्कुल गला भी ना हो, बहुत ज़्यादा पका भी ना हो, मीडियम लाइक सॉफ्ट बनाना आपने खाना है। बिग साइज का नहीं खाना, स्मॉल साइज का बनाना खाना है, और 1 बनाना मैंडेटरी है। अगर बनाना आप नहीं खाना चाहते, आपको नहीं पसंद आ रहा, मार्केट का कोई भी सीजनल फ्रूट आप एक पिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्रूट पिक कर सकते हैं, पीचेस आ जाएंगे, पीचेस खा सकते हैं, 2 से 3 जामुन आ जाएंगे, हैंडफुल ऑफ जामुन आप खा सकते हो, या फिर कोई भी एक सीजन का फ्रूट आप पिक करके खा सकते हैं। वाटरमेलन नहीं खाना, वाटरमेलन मस्कमेलन नहीं खाना, नॉर्मल वाटरमेलन और मस्कमेलन के अलावा जो भी फ्रूट्स हैं आप खा सकते हो। नाउ मॉर्निंग ड्रिंक एंड मॉर्निंग का फ्रूट के ठीक 1.5 से 1 घंटे के बाद, जब तक आपका नाश्ता बनने में तैयार होगा, जब तक आप पाठ पूजा करेंगे, आपका ब्रेकफास्ट रेडी होने में 1 घंटा लग जाएगा। तो अभी सुबह उठ के हम खाली पेट नहीं है। ब्रेकफास्ट के अंदर आपने क्या लेना है, ब्रेकफास्ट के अंदर हम हैवी लेंगे, स्टफ पराठा ले लीजिए, मल्टीग्रेन पराठा ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जौ ज्वार और गेहूँ का मिक्स करके पराठा बना सकते हैं। फिलिंग के लिए यू कैन यूज अनियन, यू कैन यूज आलू, आलू का पराठा, पनीर का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कोई भी पराठा आप ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक और भी चीज़ ले सकते हैं, सैंडविचेस। मैंने रिसेंटली सैंडविचेस की वीडियो पोस्ट करी थी, जो भी सैंडविच समझ आए आप इसमें से पिक कर सकते हो। थर्ड इज ब्रेकफास्ट के अंदर आप ले सकते हो मल्टीग्रेन रोटी विद सब्जी, आप ले सकते हो। नेक्स्ट, ये 3 ऑप्शंस है फॉर अ ब्रेकफास्ट। नाउ ब्रेकफास्ट में ना साथ में एक चीज़ ध्यान से सुनना, 1/2 कप चाय। चाय के अंदर यू कैन यूज खांड, देसी खांड जो मार्केट में आती है, अदरवाइज जैगरी, थोड़ा सा जैगरी का पाउडर, डायरेक्टली चीनी नहीं डालनी। स्टॉप शुगर फ्री, स्टॉप दिस स्टीविया बिल्कुल नहीं लेना, ना स्टीविया लेना है ना शुगर फ्री लेना है। स्टीविया की ताज़ी टूटी हुई पत्ती अगर आ रही है ना आपके पास, तो आप स्टीविया यूज़ करो। आर्टिफिशियल चीज़ें कुछ भी नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेनी है। सो अगर आपको चाय फिक्की नहीं पी जाती, आप ये वाली चाय में गुड़ या फिर नॉर्मल शुगर ऐड करके आप ले सकते हो। सवेरे अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि हाँ जी ठीक है जी, हमने रज के खाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया, वी आर फुल। और 2 आप पराठे ले सकते हो, मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आप 2 सैंडविचेस ले सकते हो 4 ब्रेड का। नाउ मूव टू दी मिड ब्रेकफास्ट। मिड ब्रेकफास्ट में मैं सजेस्ट करूँगी हैव 1 आंवले का मुरब्बा। नाउ जब मैं अपने क्लाइंट को आंवले का मुरब्बा देती हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये तो मीठा है इसका क्या करेंगे। हाँ, आइसक्रीम से कम मीठा है आपकी ना, आपके चॉकलेट और कैंडी से कम मीठा है। सो प्लीज़ लीजिए मार्केट का जितना भी मुरब्बा आता है, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे बहुत सारे लाइव जाके दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा चीनी से भरा हुआ, शुगर बहुत ज़्यादा होती है, उसको लाओ, उसको ओपन करो, दिस मुरब्बा को खोलो, वॉश करो, टिश्यू पेपर से साफ करो अच्छे से, या रसोई के जो भी आपके कपड़ा होता है रोटी सेकने वाला उससे अच्छे से क्लीन करो, उसको कांच के बर्तन में स्टोर करके फ्रिज में लगाओ अच्छे से सुखा के। वहाँ से हम लेंगे 1 आंवले का मुरब्बा ना, 1 फुल आंवले का मुरब्बा,
आंवले का मुरब्बा अगर आप NRI हैं, आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम फेस करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, आप 10 से 15 सोक्ड आलमंड्स लेंगे और 2 खजूर साथ में खाएंगे। खजूर सोक्ड लेंगे, समर्स हैं, रॉ खजूर नहीं खाना, पानी में सूखा हुआ खजूर खाना है, पानी को निचोड़ के। नाउ मूव टू द लंच। नाउ लंच में मैंने शेयर किया था आपको स्मूदीज का रेसिपी लास्ट वीडियो में। सो स्मूदीज में से कोई भी एक स्मूदी आप पिक कर सकते हो। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार हम तो ऑफिस जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, या फिर हमारा कोई और प्रॉब्लम है, हम लिक्विड नहीं ले सकते ना लंच। आप स्वैप कर सकते हो मॉर्निंग का इवनिंग, मॉर्निंग का आफ्टरनून में, आफ्टरनून का मॉर्निंग में, या फिर आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स है 12 to 9, आप 12 बजे इसको बना के मिल्टन और डबलिन के टम्बलर में कैरी कर सकते हो। 3 बजे तक ये बिल्कुल नहीं उड़ी, बिल्कुल ठीक है, आप ऑफिस में जाते इसे फ्रिज में रख सकते हो। सो ये था मेरा लंच। अगर फिर भी आपको भूख लगती है, यू कैन हैव 1 बेसन का चिल्ला इन लंच ऑल्सो स्मूदी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज इवनिंग टाइम। इवनिंग के टाइम पे ना आपको लेनी है चिल्ड ग्रीन टी। ये रही चिल्ड ग्रीन टी की रेसिपीज, यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कोई भी एक ग्रीन टी चिल्ड वाला पिक कीजिए। अगर गला खराब हो रहा है आपसे, नहीं पी जा रही या नहीं ले पा रही, नॉर्मल प्लेन ग्रीन टी हम लेंगे, जस्ट प्लेन ग्रीन टी। साथ में आप ले सकते हैं 2 ओवरनाइट सोक्ड वॉलनट्स। अगर वॉलनट्स खाने का मन नहीं है, 2 डाइजेस्टिव बिस्किट। डाइजेस्टिव बिस्किट भी खाने का मन नहीं है, कोकोनट एंड फ्लेक्सीड का लड्डू बनता है, बहुत यम्मी होता है। ये रही उसकी रेसिपी, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वो लड्डू 1 ले सकते हैं, 1 लेना है, 1 ज़्यादा नहीं लेना, जस्ट 1 लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको फिर भी कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन है, बाहर से आए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है, शाम को एक गिलास पानी में आधा चम्मच चिया सीड डाल के एक नींबू निचोड़ के आप साथ में एक और आंवले के मुरब्बे के साथ ले सकते हो। अगर ठंडा ठंडा कुछ चाहिए ना आपको, एकदम चिल्ड सा इंस्टेंट चाहिए, सो ये चीज़ आप ले सकते हो, क्योंकि 1 मंथ का डाइट है, बहुत सारे अप एंड डाउन आने ही आने हैं। नाउ मूव टू दी डिनर। डिनर सबसे क्रिटिकल पार्ट मुझे लगता है, क्योंकि 90% कॉल्स जो मैं रिसीव करती हूँ वो 6 से 9 बजे के बीच में रिसीव करती हूँ, भूख लग रही है। सो पॉइंट इज, जो आपको भूख लग रही है वो भूख इसलिए नहीं लग रही है, भूख माइंड से लग रही है। अभी तक आप फुल हो, बिल्कुल माइंड आपको ये दे रहा है कि भाई शाम का टाइम है, चल कुछ खा लेते हैं, तो खाना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं खाना है। सो बात करते हैं डिनर के ऑप्शंस की। नाउ डिनर में ना आप लोग सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना, फ्रूट कस्टर्ड ले सकते हैं। फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूंगी ऑन माय इंस्टाग्राम, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। फ्रूट कस्टर्ड आप पक्का लीजिएगा, ठंडा ठंडा बना के रखिए, ऑफिस से बाहर से कहीं आ रहे हैं या घर पे हैं, बना के रखिए फ्रिज में, और एक कटोरी पूरी फ्रूट कस्टर्ड आप ले सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज पपाया सदाबहार। थर्ड इज आप ले सकते हैं हमारा गुलकंद का मिल्क शेक। ये रहा गुलकंद मिल्क शेक की रेसिपी। समर्स के लिए इट्स अल्टीमेट चीज़, प्लीज़ टेक गुलकंद का मिल्क शेक, रियली रियली गुड। शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसकी कोई परवाह मत कीजिएगा, आपकी बॉडी बिल्कुल सही रहेगी और बिल्कुल शुगर का इनटेक ज़्यादा नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट नहीं होगा, इतना नॉर्मल है। जितना आप बाहर का जंक खा रहे हैं या पैकेट के अंदर जितना सामान आ रहा है वो खा रहे हैं, उससे काफ़ी हद तक ये डाइट बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, एनी टाइप ऑफ फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल तो कीवी खा लिए, या फिर 2 से 3 राउंड स्लाइसेस पाइनएप्पल्स खा लिए, डिनर को हम ना बिल्कुल लाइट रखेंगे। अगर आपको बुखार है, प्रॉब्लम है, आप सूप प्रिफर करते हैं, देन टमाटो पम्पकिन सूप, ये रहे इनकी रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डिनर का टाइमिंग्स जो है, डिनर का टाइमिंग्स और डिनर की मेन्यू आपको बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। सो ये सारे डिनर के मेन्यू, एंड आप प्लीज़ इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। समटाइम्स फ्रूट हो गया, समटाइम्स शेक हो गया, समटाइम्स आपका सूप हो गया, इस तरीके से हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। नाउ मूव टू दी नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट चीज़, डिपेंड करता है आपने क्या खाया है। फॉर एग्जाम्पल आपने पपाया खाया है, आधा कप एलोवेरा जूस, आधा कप गर्म पानी। एलोवेरा जूस पतंजलि का चलेगा, आई प्रेफर घर का बना हुआ। नेक्स्ट, अगर आपने सूप पिया है सो मेक श्योर नो नाइट ड्रिंक। अगर आपने शेक पिया है गुलकंद का, देन मेक श्योर नो नाइट ड्रिंक का। सो अगर आपने फ्रूट खाया है, आप एलोवेरा जूस लेंगे नाइट ड्रिंक में। टाइमिंग जो है, बेस्ट टाइम जो है वेट लॉस की, 10 बजे से लेके 6 बजे तक की नींद, रात के 10 से 6 की नींद इज एब्सोल्युटली अ बेस्ट टाइम फॉर वेट लॉस। सो या दैट्स इट। शेयर योर बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, मैं वेट करूंगी ऑन माई सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन माई इंस्टाग्राम। बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, कुछ क्रिटिकल भी आते हैं, बट या लाइफ है, पार्ट ऑफ द गेम है। सो या दैट्स इट गाइस, सो आई विल सी यू सून, बहुत जल्दी, विद द PCOD समर वेट लॉस डाइट प्लान। सो टेक केयर जी, बाय बाय।